भैंस गुलाटी से, और ये पड़ोसियों ने जगाया हमारे को, तो हम तो सोए पड़े थे, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता लगा बच्चों को उठाए, एक सामान को निकाले खेचे क्या करें। तो ये भैंस गुलाटी में जब आग लगी उसके बाद क्या फर्स्ट फ्लोर पर फैल गई आग? तो नीचे से आई है, नीचे से लग के फिर हाँ जी ऊपर आई है, फिर ऊपर आ गई। हाँ जी, तो आपके कितने फ्लैट जिसमें आग लग गई? एक ये सात वाला है कि हमारा ज्यादा नुकसान तो हमारा ही हुआ है, पांच नंबर चार नंबर। अच्छा, दो फ्लैट में ज्यादा नुकसान हुआ। हाँ। अच्छा, इसके अलावा ये जो फ्लैट्स हैं ये क्या सरकारी फ्लैट्स हैं, क्या है ये? ये सरकारी एनडीएमसी फ्लैट, सरकारी एनडीएमसी एम्प्लॉइज के फ्लैट। हाँ जी। तो किसी को कोई इंजर्ड वगैरह तो नहीं हुआ, कोई किसी को चोट तो नहीं? नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन नुकसान हुआ है सामान का, एसी कूलर पंखा बिस्तर वगैरह ये सब जल गए, बच्चों के कपड़े वपड़े। कितने बजे के आसपास हुआ सब? डेढ़ बजे की बात है, डेढ़ बजे के आसपास। हाँ। तो ये जो नीचे रेस्टोरेंट वाले हैं, इनसे क्या कुछ दिक्कत परेशानी आती है आप लोगों को यहाँ पर? दिक्कत परेशानी यही है कि अपना ये मतलब करके रखो सारा सेफ्टी करके रखो, ये चिमनी भी थोड़ी पीछे करो, इनसे भी तो नुकसान हमें, ये सब करो। सतीश कुमार। कल रात बाबा यहाँ क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ? हादसे का हमें कुछ नहीं पता, जब हमारा दम घुटने लगा ढाई से पौने तीन बजे के बीच, तब हमें महसूस हुआ, फील हुआ, मैं वैसे ही हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे फील हुआ तो मैं उठा एकदम से, देखा पूरे घर में वायरिंग की स्मेल आ रही जलने की, और तब एकदम हम आनंद फानंद में बच्चों को लेकर भागे यहाँ से, देखा जीने में भी रास्ता नहीं था निकलने का, यहाँ से भी रास्ता नहीं निकलने का, फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। ये जो रेस्टोरेंट वाले इनका फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है, और होगा तो लाचार एकदम, कोई किसी काम का नहीं है। तो नीचे कितने रेस्टोरेंट में आग लगी है? दो रेस्टोरेंट में लगी है, पहले उसमें गुलाटी बैच में लगी है, उसके बाद में फैलती हुई यहाँ तक आई है, फिर मेरे घर में ऊपर आई है, मैं लाठी हूँ यहाँ का। तो किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी? नहीं, जान मान के वो यहाँ। घर का कितना नुकसान हुआ सामान का? घर का नुकसान आप देख सकते हैं अंदर जाके, मेरा एसी ब्लास्ट हुआ है, ये कूलर आपके सामने है, ठीक है, अंदर टेबल फैन है, फोल्डिंग है, लड़का सोता है मेरा फोल्डिंग पे, निकल के भागे तो और भी नुकसान हो सकता था। कुल मिला के फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है इनका, ये बाहर ये चिमनी लगी है इससे बहुत पोल्यूशन है, दरवाजा खोल के नहीं खड़े हो सकते यहाँ पे। तो यहाँ से जब आग लगी तो उसके बाद आप लोगों को रेस्क्यू नहीं किया? नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं आया, ना 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 कोई नहीं, हम अपने आप जान बचा के भागे। निकलने में कितनी दिक्कत हुई? निकलने में मैं बता रहा हूँ, जीने में हमें सांस मुंह को हाथ रख के, एक हाथ में बच्चे हैं एक हाथ में मुंह रख के भागे, जीने में कोई भी ऐसा हो सकता, गिर भी सकते थे, किसी से पैर स्लिप हो जाए, भाग 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 दौड़ में, गनीमत रही कि गिरा नहीं।